मोदी सरकार को शासन में 4 साल हो गए, क्या किया? बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी को लबालब भर दिया। मजदूर, किसान, मेहनतकश, कर्मचारी, गरीब जनता, उनके खून को निचोड़ा। सिर्फ इतना नहीं, जो सदियों से हमारे समाज का ताना बाना है, जो हमारे पुरोधाओं ने काल राजा राम मोहन राय का जन्मदिन, हमारे देश के नवजागरण के महान पुरोधाओं ने हमारी आजादी की लड़ाई के महान सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने जो एक जनगण की एकता स्थापित की, बनाई, आजादी के बाद जो हमारे वाम आंदोलन ने, जन आंदोलन ने व्यापक एकता जनता के बीच बनाई, उस एकता को तहस नहस करने के लिए आरएसएस मोदी सरकार ने सिर्फ अपना सांगठनिक बल नहीं, सरकार का बल नहीं, पूरी राज सत्ता को, मीडिया को, जनता की एकता को तोड़ने के लिए लगाया हुआ है। और हमारे कितने ही लोगों की बलि ली है, जान ली है। क्यों? इसलिए कि जो पूंजीपतियों की तिजोरी भर रहा है आरएसएस बीजेपी की ये सरकार, पूंजीपतियों की तिजोरी भर रहा है, देसी पूंजीपतियों को अपने साथ हवाई जहाज में लेकर देश देश में उनके लिए मुनाफा का इंतजाम करने के लिए विदेशी पूंजी के साथ जो गठजोड़ कर रहा है, विदेशी पूंजी को कांग्रेस के जमाना में 25% पूंजी को एफडीआई में नोटा दिया, ये बोलते थे कि देश को बेच दिया मनमोहन सिंह ने, अब 100% को नोटा दिया है। तो देश के अंदर विदेशी पूंजी को बढ़ावा जो दे रहे हैं, हमारी कीमत पर, गरीबों की कीमत पर, मजदूर किसानों की कीमत पर, ये जो 4 साल इसका पोल खोलने के लिए, सिर्फ पोल खोलने के लिए नहीं, ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी सरकार को शासन में रहने का एक दिन भी हक नहीं है, जिसने 2014 के चुनाव से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, जबानी नहीं, लिखित भी वादे पर वादे किए थे, सैकड़ों सभाओं में जो वादे किए थे को निभाया, आज कहते हो तो जुमले थे। भाई और बहनों, आज देश में एक नई हवा पैदा करने की जरूरत है। ये टेलीविजन मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार जोरदार ढंग से झूठा प्रचार जो चलाएगी 4 साल के, हमने एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है ऊपर से नीचे तक, और गांव देहात की गलियों से लेकर, खलिहानों से लेकर, कारखाना से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से, संस्था से, एक ऐसा ताकतवर आंदोलन, एक विकल्प आंदोलन जो इस मोदी सरकार को, जो झूठ है उसको तिनकों की तरह उड़ा, रोजगार दिया, 2 करोड़ का वादा किया था, 1 साल में 2 करोड़ देंगे, 1 साल में 2 लाख भी नहीं दिया, महंगाई कचूमर निकाल रही, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सारी दुनिया में
लड़ाई के दाम सस्ते हैं, फिर भी लूट लिया। आप भूलेंगे नहीं, मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये सिर्फ मोदी सरकार नहीं, बीजेपी की पिछली सरकार ने भी, वाजपेयी जी की सरकार ने भी जब सत्ता संभाली थी 22 रुपए लीटर था उस वक्त डीजल पेट्रोल, और जब सत्ता छोड़ी थी 45 रुपए पर पहुंचाया था, और मोदी सरकार उसको 90 पे पहुंचा के भी बस नहीं कर रही है। गरीबों का मनरेगा रोजगार की छोटी मोटी व्यवस्था थी, उस पर बुलडोजर घुमा दिया। आज जो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे बुजुर्गों ने आजादी आंदोलन में श्रम अधिकारों के लिए कुर्बानी देके जिनको जीता था, अंग्रेज को मजबूर किया था, आजादी के बाद भी जिन अधिकारों को पुख्ता करने के लिए हमारे मजदूर भाई लड़ते आए, कर्मचारी भाई लड़ते आए, आज ये सरकार एक पर एक कांग्रेस के ही पच्चीनों पर, ये बीजेपी सरकार, ये कांग्रेस की बी टीम है, तो ये श्रम अधिकारों को कुचल रही है, प्रदेश प्रदेश में नए काले कानून मजदूरों पर बना रहे हैं, जहां भी मजदूर आवाज उठा रहे हैं। काल तमिलनाडु के अंदर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, सीधा मुंह में बंदूक लगा के पुरुषों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे जो कत्लेआम किया गया, ये दिखा रहा है कि इस देश की सरकारें किस ब्रुटिलिटी के साथ, किस क्रूरता के साथ जनता की किसी आवाज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। किसान जो तार तार हो रहा है, लाखों की संख्या में जो जान देने के लिए मजबूर हुआ है, अपनी जमीन बचाने के लिए हजारों की संख्या में किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी है, ये सरकार काला कानून जमीन छीनने के लिए लाई थी, आज भी लगी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम से काल जो काला कानून जारी हुआ है, जो फसल बीमा के नाम से लूट मचाई हुई है, ये सब किसानों को उजाड़ने के लिए, खेतिहर मजदूरों का सर्वनाश करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा हमला है शिक्षा पर। अगर किसी के दिमाग को बांध दिया जाए, आप पशु को जंजीर से बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन एक खास तरह का प्रचार मीडिया में चला के स्कूल कॉलेजों में भी जो ज्ञान विज्ञान की चौकस पढ़ाई है उसको भी बदल के, जो झूठ मिथक अगर पाठ्यक्रम में ला दिया जाए, तो ये हमारे दिल दिमाग को बांधना चाहते हैं, बांध रहे हैं, एक तरफ फूट डाल रहे हैं, सांप्रदायिक जातिवादी झार भर रहे हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हमारे विचारों को जकड़बंदी कर रहे हैं, और हिटलर का चेला गोबल्स उसकी तरह से 100 बार झूठ फैला के ज्ञान विज्ञान को, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे देश के लोगों के मन में ही एक ऐसी स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं कि आंदोलन जनवादी जो ताना बाना है, धर्म निरपेक्ष ताना बाना है, उसकी जड़ों में आंख मार दिया जाए, जहर भर दिया जाए। ये बहुत बड़ा हमला, आर्थिक हमला हम बर्दाश्त कर सकते हैं, आज नहीं इस पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में बेटा खड़ा होकर लड़ेगा, शत्रु को भगाएगा, लेकिन अगर चिंतन को बांध दिया जाए, विचार को बांध दिया जाए, ये फांसीवादी आरएसएस बीजेपी ये सारे के सारे जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। हम समन करते हैं हमारे उन तमाम बुद्धिजीवियों का, हमारे साहसी नागरिकों का, छात्रों का, पत्रकारों का, जिन्होंने जान की बाजी लगा के इस सरकार के जुल्मों के खिलाफ अपनी आहुति दी है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को एक दिन भी रहने का हक नहीं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, लेकिन एक बात चौकस रहनी होगी,
70 सालों से ये सरकारों की अदला बदली जा रही है, 70 सालों से सरकारों की अदला बदली जा रही है। सत्ता से बाहर एक बात है, सत्ता में आने के बाद वही जुल्म और अत्याचार है, पूंजीपतियों की सेवा और किसान मजदूरों का चोर। हमें यहीं ठहरना नहीं है, हमें सरकार बदल कर ठहरना नहीं है, हमको उन नीतियों को बदलना है, उन कानूनों को बदलना है, राजकाज के उस चरण और रंग ढंग को बदलना है जो हमारा कचूमर निकालते हैं। हमको और आगे बढ़ना। ये साल महान मार्क्स के जन्म का 200वां साल है। उन्होंने नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो, उन्होंने नारा दिया था दुनिया को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा। उन्होंने नारा दिया था, आज का बिजनेस स्टैंडर्ड पूंजीपतियों का अखबार है, वो कहता है कि हमको फिर मार्क्स की ओर लौटना होगा। भाइयों, मार्क्स ने बताया था कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर समाजवाद के बिना दुनिया का मुक्ति नहीं है, मजदूरों की नई सभ्यता तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, पूंजीवाद साम्राज्यवाद के दिन लग गए हैं, हमको अपने आंदोलन को ये समाजवादी धारा की तरफ आगे बढ़ाना होगा, मजदूर किसानों की मुक्ति के आंदोलन में इसको प्रणीत करना होगा। इतना ही कह के ये जन एकता जन अधिकार आंदोलन हमको ताकतवर बनाना है। आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।